इसको पूछो कि आज दोपहर को क्या हुआ था। पर गाइस इसको अर्थिंग बैठ गया था बैठ गया था क्या? मतलब ऐसा झटका मार के छोड़ दिया ये भाई को। गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप देख रहे हो अभिषेक का व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे गाइस। और आज का दिन बहुत ही फुर्ती वाला है गाइस। और गाइस एक्चुअली फुर्ती वाला था, एक्चुअली अभी शाम हो चुकी है। और गाइस मैं सुबह से लेके अब तक कुछ ना कुछ काम में अटका था, तो गाइस मैं साइकिल वाले के पास जाके आया। एक मिनट में विंडो बंद कर लूँ। हाँ तो गाइज मैं साइकिल वाले के पास जाके आया, वो अंकल के पास। तो वो बोले कि वो नीचे जो चेंजर रहता है, जो गियर चेंज करते लास्ट टायर के नीचे जो चेंजर रहता है वो बिगड़ गया है उसका, तो ओरिजिनल डालना पड़ेगा। तो उसने मेरे को पैसे बोले हैं कि इतने इतने लगेंगे, तो अपन कल जाके करा के आएंगे। और गाइज और बहुत से काम थे जो मैंने आज के दिन में ख़त्म किए गाइज। और इसके लिए मैं गाय गाय मैं गाइज मेरी मम्मी मेरे को 3-4 दिन से वो सब काम बोल रही थी कि ये लाना है वो लाना है, मतलब वो थोड़ा हाँ तो वो थोड़ा था गाइज। तो गाइज वो सब काम पता के गाइज, और साथ में साइकिल का भाव पूछने का था, और सब्जी थोड़ी बहुत लानी थी, और 2-3 काम और थे। और गाइज कल मम्मी और वो लोग गए थे बेडशीट लेने, तो वो भी दिखाएंगे। और आज कैरी को ओपनिंग करनी है, मतलब कैरी खोल के देखनी है कि कैरी कैसी आई है, कच्ची है कि पक्की है। क्योंकि गाइस लान कैरी घर पे आके कम से कम 1-2 या 3 दिन हुए, 2-3 दिन हुए शायद से गाइस। तो कैरी खोल के देख लेते हैं कि कैसी हुई कैसी नहीं। वैसे भी मैंने कल के व्लॉग में आपको बोला था कि कैरी खोलने की है, तो गाइस खोल के देख लेते हैं। और बेडशीट भी लाए थे। और गाइस आज सुबह को मेरा ये प्लान था कि गाइज मैं 7 बजे उठ के वर्कआउट करूँगा टेरेस पे जाके, मतलब थोड़ा बहुत पुशअप्स मारूंगा और वो सब, थोड़ा बहुत वर्कआउट करने का गाइज। तो मैं 7 बजे का अलार्म तो रखा, पर गाइज ये मैं बोलूँगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। ये आपको मम्मी के पास से सुनाऊँगा कि मैं सुबह को क्या कर रहा था। और गाइज अभी खोलते हैं कैरी और देखो अभी। सो गाइज ये देखो, ये अपन एक बॉक्स खोलते हैं। ये कपड़ा रखा था इसके ऊपर, तो इसको एक खोलना बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से, तो मैं चाकू लेके आता हूँ और ये फिर खोलेंगे अपन। सो गाइज ये कैरी, अरे कैरी क्या बोल रहा हूँ, ये कैची मेरे हाथ में आ गई है। और गाइज अपन खोलेंगे, ये तो खुल जाएगा, और खोल के देख लेते हैं। क्योंकि गाइस चेक करना पड़ता है कि ये पक्की है, चेक करना पड़ता है कि ये पक्की है कि नहीं। ये देखो गाइस मेरे ख्याल से ये 30 किलो है, 30 ही किलो पप्पा ने बोला था कि वहाँ से लाने का, तो 30 किलो का ही ऑर्डर दिया था। ये मेरे ख्याल से लास्ट कह रही है गाइस, क्योंकि अभी बारिश गिरनी चालू हो गई है मुंबई में। और गाइस ये कितनी गर्म है, मतलब मैं हाथ में पकड़ रहा हूँ तो मेरे को गर्म फील हो रहा है। ये कैरी बहुत गर्म है, क्या मालूम क्या ऐसे ढक के रखा था इसके लिए। और ये 50% भी नहीं, 40% ये पक्की हुई है। देखते हैं अभी मम्मी को बोलेंगे कि पूरा खोल के एक बार चेक कर लो, क्योंकि गाइस सब कैरी एक साथ पकेगी तो खाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको सब सेपरेट करके एक बाजू रखना पड़ेगा। तो अभी मम्मी को जाके बोल देते हैं कि कैरी कैसी है। मम्मी स्टॉप करो तो एक मिनट, मम्मी भजन सुन रही थी तो मैंने मम्मी को बोला कि स्टॉप करो एक मिनट। हाँ तो कैरी अच्छी है, 50% पक्की है, 50% नहीं पक्की है। तो इधर से हम लोग लाए थे ना, तो ये कीधू तू के बधु छुट्टी पाड़ी दे जो एक कपड़ा में राखी ने, एट बधी एक साथ ना पाके। सो गाइज वो अंकल ने बोला था कि अलग अलग करके रख देना, क्योंकि एक साथ पकेगी तो एक साथ सब कैरी तो हम लोग खा नहीं सकते। तो गाइस एक चादर के ऊपर सब कैरी अभी रख देंगे मम्मी। और गाइस मैं सुबह को क्या कर रहा था मम्मी, अरे उठने के लिए अलार्म रखा था सुबह में। हाँ कितने, 6 बजे? एक मिनट एक मिनट,
मैं लाइट कर दूँ, एक मिनट, 6 बजे का अलार्म रखा, एक मिनट, हाँ बोलो बोलो, सुबह 6 बजे का अलार्म रखा, सात बजे बाद में बोलता है एक किसने अलार्म रखा है, बंदर, मैं एक्चुअली गाइस क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, ये गाइस कल रात को बात हो रही थी मेरे और पप्पा के बीच में, अब लोग एंड कर दिया बाद में, और गाइस रात को कम से कम 12 साढ़े 12 बजे, हम लोग 12 1 बजे सोते हैं आराम से। तो गाइस मैं पप्पा को बोल रहा था, पप्पा मेरा वेट बढ़ गया है, वेट बढ़ गया है, मेरे को साइकिल ठीक करानी है ये वो, और पप्पा ने बोला ठीक करा ले, मैं कल पूछ के आया, मतलब आज तो, आज तो मैं पूछ के आ गया बराबर। तो पप्पा ने बोला था कि भाई तू साइकिलिंग चालू कर या कुछ एक्सरसाइज वक्सरसाइज कर तो थोड़ा वेट लॉस हो। तो मैं बोला कल सुबह को 7 बजे का अलार्म रख दिया मैं, और मैं बोला कि कल सुबह 7 बजे उठ के वर्कआउट करेंगे अपन, हाँ, और फिर 7 बजे उठ के 1-2 घंटा करेंगे, तो 9 बजे तक वर्कआउट करेंगे, थोड़ा वॉक कर लूँ, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा कर लूँ, और 9 बजे घर पर आके एडिटिंग करके वीडियो अपलोड, बराबर। ये मेरा प्लान था, शेड्यूल, हाँ। तो गाइस फिर मैं सो गया 7 बजे का अलार्म रख के, हाँ, और गाइस सुबह को उठा, फिर क्या हुआ मम्मी बोलो, फिर उठा ही नहीं और अलार्म बजा तो बोलता है ये किसने चालू किया है, बंद करो, ये किसने चालू किया। गाइस नींद में मैंने बोला कि ये किसने चालू किया, अलार्म कौन रखा, चश्मे की वजह से मेरे को दिखता नहीं है गाइस, ब्लर दिखता है, गाइज इधर उधर हाथ देख रहा था कि किधर से बज रहा है ये, और गाइज वो ही सब हो रहा था। और गाइज सुबह को मैं आज नॉर्मल टाइम पे ही उठा, और रात को है ना, अरे सुबह को पापा और मम्मी जल्दी उठ जाते। तो गाइज मैं ऐसा फोन ढूंढ रहा था, और हाँ, और गाइज वो सब सीन हुआ। और आज तो गाइज कल प्लान है उठने को, मम्मी बोल रही उठने को होता नहीं और अलार्म रखता है। गाइस कोई नहीं, कल उठेंगे, कल पक्का उठेंगे, और गाइस कल पक्का वर्कआउट, नींद, मम्मी बोल रही कल पक्का नींद में उठेगा तू और नींद में वर्कआउट करेगा। तो गाइस वैसा नहीं है, कल पक्का उठेंगे और वर्कआउट भी करेंगे, क्योंकि वेट लॉस भी करना है अपने को। और गाइस अभी हम जाएंगे वॉकिंग पे ऊपर, शाम हो चुकी है, और गाइस मस्त वेदर है आज तो, ठंडा है, तो देखते हैं। बीच में बारिश भी हुई थी दोपहर को, सॉरी बारिश भी हुई थी। देखो मैं आपको आज का वेदर बताता हूँ गाइस, ये देखो गाइस एकदम चिल्ड वेदर है आज, सो गाइस आज का वेदर बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत ठंडा है गाइस। कल मैं बोल रहा था कि बहुत ह्यूमिड हो रहा है ये वो, तो गाइस आज दोपहर को मतलब शाम को गाइस बारिश गिर गई, उसके बाद एकदम ठंडा माहौल गाइस, मतलब कि नींद ही आ रही थी पर मैं सोया नहीं, क्योंकि रात को हम लोग 12-12:30 बजे सोते हैं। तो गाइस और लेट, फिर भी दोपहर को सो जाऊंगा तो और लेट हो जाएगा। ये देखो गाइस पोपट, आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे, एक मिनट मैं आपको दिखा दो, ये देखो गाइस पोपट, ये 1, 2, 3, 4 पोपट है गाइज, ये लाइन में मैंने 15 पोपट देखे है गाइज। और ये लोग क्या आवाज़ करते हैं शाम के टाइम पे, मतलब ये टाइम पे अभी कुछ बज रहे हैं 6:58, और गाइज ये लोग यहाँ पे ही बैठते हैं गाइज। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर है ना एक मिर्ची का कुछ सेटलमेंट करें, मतलब एक प्लेट लगा के, वो जो प्लेट आता है ना जो कबूतर के लिए रखते हैं बालकनी में वगैरह, तो वैसा एक प्लेट रख के यहाँ पर मिर्ची लगाए गाइस। एक बार मैंने इधर लटकाया था बीच में, नेट के बीच में, पर वो लोग ने खाया नहीं, वो लोग का लगा मेरे को पकड़ने के लिए, ये लोग ने कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई है गाइस, ये देखो। सो गाइस ऐसा कुछ सीन हुआ आज सुबह को, और गाइस और एक सीन हुआ है, वो तो मैं भाई के पास से बुलाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा घबराने वाला था गाइस, वो आपको रात को सुनाऊंगा, तब तक के लिए गाइस अच्छा वीडियो देखना, और गाइस वो राज भी जान लेना कि आज भाई के साथ क्या हुआ। देखो कितना आवाज कर रहा है। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर वॉकिंग करने, तो मिलते हैं वॉकिंग करने के बाद।
और एक गाइस, और एक बात मैं बताना भूल ही गया, वो मैं बेडशीट बताने वाला था आप लोगों को। मम्मी और पापा कल शॉपिंग करके आए दोपहर को, और गाइस मैंने सोचा कि वो कल दिखाऊंगा, तो अभी आप एक क्विक नज़र देख लो गाइस। मेरे पापा और मम्मी ये लेके आए हैं, मैं खोल देता हूँ 1 मिनट। गाइस ये देखो खुल गया है, अभी जस्ट खोला मैंने ये, और मैं आपको ये पूरा खोल के तो नहीं दिखा सकता। ये देखो इसके ये टाइप की बेडशीट है गाइस, ये पप्पा और मम्मी की चॉइस है एक्चुअली गाइस। मम्मी और पप्पा दोपहर को गए थे कल, और ये सब लेके आए हैं, और ये कवर से छोटे बड़े। सो गाइस ये बांध के वापस मैं मिलता हूँ। सो गाइस अभी बेडशीट तो आपको मैंने दिखा दी, अभी मैं फाइनली जाऊंगा ऊपर वॉकिंग करने, तो मिलते हैं सीधा वॉकिंग करने के बाद। सो गाइस खाना खा के हो गया है, और गाइस इसको पूछो कि आज दोपहर को क्या हुआ था, कुछ बोल नहीं भाई। हुआ अरे था। तू खाना बोल रहा बोल बोल, तेरे को एक्सपीरियंस हुआ था, मेरे को क्या हुआ था, अपन तो दूर खड़ा था। शॉट लगा शॉट। एक्चुअली गाइस ये लोग कुछ सामान उठा रहे थे, और उठाते उठाते ना गाइस उसका हैवी वजन था ना, तो वो है ना बोर्ड पे टच हो गया, और वो बोर्ड है ना खुला था। तो गाइस हंसने वाली बात बिल्कुल नहीं है ये, पर गाइस इसको अर्थिंग बैठ गया था बैठ गया था क्या? मतलब ऐसा झटका मार के छोड़ दिया ये भाई को, और अच्छा हुआ मतलब भगवान ने। तीनों तीनों भाई तीनों को हाँ तीनों को एक्चुअली, एक हम दो लोग आदमी के, थे। हाँ दो आदमी थे, और ये उठा के सामान अंदर हम लोग के फैक्ट्री में लग रहा था। तो फैक्ट्री के बाहर ना एक खुली वायर थी, मतलब केबल बॉक्स था, तो गाइस उसमें वो थोड़ा माल टच हो गया, और गाइस उसमें उसमें ना इसने ना माल छोड़ दिया, और गाइस इसको और वो तीनों आदमी को अर्थिंग लग गया, ऐसा सब सीन हुआ मैं गाइस तो आज इतना 80-90 किलो था हाथ में। तीनों के आदमी। हाँ तो गाइस वो फिर इसने तो फेंक दिया, फिर वो तीनों ने भी फेंक दिया, और गाइस ऐसा कुछ सीन हुआ। और गाइस मतलब वो तो है ना अर्थिंग लगा, शॉक लगा होता तो हम लोग तीनों के तीनों तो और बाग हो गाइस जाते। हाँ, और गाइस भगवान ने बचा लिया मतलब ये भाई को, और ये क्या करे भाई, इसके लिए नसीब चाहिए भाई। और गाइस ऐसा कुछ हुआ, और गाइस ये ना ये गाड़ी सीख रहा था ना, तभी है ना जूने बिल्डिंग में, हम लोग तो ये अभी नए बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए, हम लोग ने नया फ्लैट लिया है, इसके लिए जूने बिल्डिंग में हम लोग रहते थे ना, तो ये गाड़ी इसको आता नहीं था बराबर, तो ये ना क्लच छोड़ के आगे पीछे करता है, तो उसमें साइड का जो कांच रहता ना उसको तोड़ दिया बराबर। तो मम्मी को तो मालूम नहीं, ये गाड़ी का चाबी लेके घूम रहे पापा क्या काम बात पे, कर मेरे रहे हो मेरे उम्र में गाइस, मेरे उम्र में, और मेरे को तो अभी आता है मतलब थोड़ा बहुत आता है, हाँ वो तो दिखा था उसने। नहीं गाड़ी बंद हो गई थी गाइस, पर चलता है। तो गाइस वो दिन क्या हुआ कि भाई लेके गया, और पप्पा ना कारखाने पे चले गए बराबर, तो मम्मी को बिना बोले चाबी लेके चल दिया ये भाई, और नीचे आगे पीछे नीचे आगे पीछे गाड़ी करने करने में साइड का कांच तोड़ डाला, फिर ना मालूम पड़ा कि कांच टूट गया है बराबर। फिर क्या हुआ बोल, बोलना तेरे मुंह से सुनने को मजा ठीक है आएगा। अपन एकदम शांति से, नहीं नहीं इधर से बोल, इधर से बोल। फिर अपन है ना एकदम शांति से घर पे आ गए, सुमड़ी में कुमड़ी बैठ गए पढ़ाई वो कांच कर। का क्या हुआ कांच का तो क्या, वापस चिपका दिया उसे साइड में गाइस, वो है ना उधर अटका के ना ये ऊपर पढ़ने बैठ गया, ऐसे पढ़ता नहीं है पर ऐसे पढ़ने बैठ गया, और गाइस मम्मी को डाउट लगा कि ये भाई पढ़ने क्यों बैठा है, तो एक दिन पहले पढ़ता है भाई, और भाई इसको एक दिन पहले पढ़ता है और 60% भी आ जाता है इसको मालूम। मेरे को तो भाई SSC में इतना मेहनत किया तब जाके 60% आया, और गाइस मैं तो इसको एक ही दिन में तो गाइस इसका एक ही क्लू है कि ये कॉपी करता है। कॉपी नहीं करता हूँ, मेरे को जो आता है ना लिख के आ जाने का, छोड़ने का कुछ नहीं, खाली जगह कुछ नहीं छोड़ने का, जो मन में आए ना स्कीम में उतर रहा है गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में, मजाक नहीं कर रहा गाइस ये बोलता है एक भी जगह खाली नहीं रखने का, जो आए ना भर के आ जाने का। कम से कम मैंने 3-4 सप्लीमेंट तो लेने गई, तो क्या थोड़ा आवाज थोड़ा वजन रहेगा ना। और गाइस ये बोलता है कि गाइस सब लोग मेरे सामने देखते हैं, ये ऐसे मेरे को बोलता है कि एग्जाम में सब लोग मेरे सामने देखते हैं, भाई ये कितना लिख रहा है। हाँ सच में सबसे पहले सप्लीमेंट मांगने वाला भी मैं, और सबसे जल्दी जाने वाला भी मैं।
बोलता है इसका स्पीड क्या है, लिखने का स्पीड क्या है। और मतलब सब लोग हक्के पक्के रह जाते भाई, इतना मस्ती कर लड़का कॉलेज में और स्कूल में, और इतना फटाफट लिख रहा है, सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट मांग रहा है। मेरा क्या सीन है भाई, मेरा आग बंद मत नींदा मैं क्या करता हूँ, मतलब सीन क्या रहता है ना, देखे जैसे ही दो अभी जब 80 मार्क का पेपर है तो 3 घंटा मिलता है, तो जैसे ही अपना ना एकदम सिस्टम ही अलग है बराबर। क्वेश्चन अभी तुम लोग को क्या, मैं भी भूल गया एक्चुअली गाइस, वो मेरे को टाइमिंग से चलता हूँ। हाँ एसएससी में वो मेरे को टिप्स दे रहा था कि पहला क्वेश्चन 20 मिनट में खत्म हो जाना, दूसरा क्वेश्चन 20 मिनट में खत्म होएगा ना, तो तुम लोग को है ना 20 या 15 मिनट। गाइस हम लोग ने वो टाइम पे कैलकुलेट किया था, लास्ट में कुछ आधा पौना घंटा बाकी रहता है ऐसे मेरे को उसने समझाया था, और गाइस वैसे ही मैंने एसएससी में किया था, और लास्ट में आधा घंटा मेरे को फ्री हर पेपर में मेरा बचता था। और गाइस उसमें मतलब आप समझ लो उसमें क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते क्या नहीं, पेपर चेक हो सकता है, कॉपी हाँ। करना है कॉपी कर सकते हैं कुछ भाई, तो कॉपी का वो मत बता भाई, तो यार तू कुछ भी कर आगे जाके अपनी फैमिली बढ़ेगी, आगे जाके अपने फैंस बढ़ेंगे, तो यार सब लोग करते भाई, कोई बोलता है अपन बोल देते हैं, इसकी तुक्के पे जिंदगी चली है एग्जाम के लिए गाइस। और बोले तो थोड़ा पढ़ता भी था, कैसा रहता मन में एक्चुअली 10-11 बजे एग्जाम रहता ना, तो मैं सुबह 7 बजे से कॉलेज में चले जाने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके पढ़ता है गाइस। ये और उसकी पलटन जो 5-6 दोस्त है ना इसके गाइस, वो इतना पढ़ते ना, इतना पढ़ते ना एक दिन में, मतलब 4-5 घंटे में इतना पढ़ लेते ना गाइस कि मतलब जो वो 4-5 घंटे में याद रहता ना, वो 2 घंटे में छोड़ के आ जाते, क्वेश्चन वो है या नहीं है पर वो ठोक के आ जाते। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अभी समझो मार्केटिंग हुआ, तो मार्केटिंग के लिए लेके जो 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 वस्तु याद में आएगा जो याद आएगा सब डाल देगा, वो दूसरे के आंसर का पॉइंट क्यों ना हो। तो अभी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस, मम्मी पापा डिनर कर रहे हैं, हम लोग ने डिनर कर लिया है, और गाइस दादी ने भी डिनर कर लिया है, दादी को सबसे पहले बिठाते हैं हम लोग क्योंकि दादी को एज हो गई है, 85+ है मेरी दादी, और गाइस उनको थोड़ा सा जल्दी चाहिए, तो गाइस उन्होंने डिनर कर लिया, हम दोनों ने डिनर कर लिया है, अभी पापा और मम्मी बैठे हैं। गाइस अभी आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। बोल अभी तू आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और कल साइकिल रिपेयर कराने जाने की है, ये मैं व्लॉग में बोल रहा हूँ इसलिए तू मिस ना करे इसके लिए, क्योंकि गाइस ये मेरे को कब का टोचा दे रहा है, आज मैं इसको जैसे तैसे करके लेके गया वो अंकल के पास, और भाव नक्की करके आ गए हम लोग, तो गाइस इसको बोलो कि कल मेरे साथ बाइक पे आए, बहुत खर्चा नहीं गाइस, ये साइकिल में खर्चा तो आएगा क्या।